हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कोर्स मैंने पीछे वीडियो में बताया था उसके कुछ जो क्वेरीज आपके आ रहे हैं, जो कॉमन क्वेरीज हैं, उनको मैं रिजॉल्व करने की यहाँ पर ट्राई करूँगा और उन जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है उनको लिए ये है कि आपका जो सेशन है वो 11 जून से चालू होने वाला है। 11 जून से हमारा ये चालू हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया था टर्म वैसे ही चलेगा कि पहले 7 दिन आपकी लॉजिक की क्लास होंगी, देन उसके बाद आगे आपका 3 से 4 वीक जो लैंग्वेज आपने चूज़ की है वो रहेगा और फिर प्रोजेक्ट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। वो प्रोजेक्ट में आपको मेंटर्स हेल्प करेंगे। और अभी तक हमारे पास, मैं ये वीडियो 10:30 बजे के लगभग शूट कर रहा हूँ, तो अभी तक हमारे पास 12 ही रजिस्ट्रेशन आए हैं और सब लोगों ने, खासियत ये है कि जावा और एंड्रॉयड के लिए ही, जावा विद एंड्रॉयड ही रजिस्टर किया है। तो ये ठीक भी है, आपके ये जो ऑप्शन है, कुछ लोगों ने पूछा भी है कि ये सही कर रहा हूँ मैं लेके, तो मैं बताता हूँ, आप अगर बाकी जाते हैं HTML, PHP, ये सब जो है ये BCA वाले लोग ज़्यादा करते हैं, तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो ये बेस्ट है आपके लिए चुनना, या फिर आप पाइथन चुन लो। तो ये जो है ये बिल्कुल कहते हैं ना, इनका आउटपुट हाई है इस वक्त, अगर आप सीखोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो ये आप चूज़ कर रहे हैं, जिसने भी चूज़ करा है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सही आपने चूज़ किया, आपने कोई गलती नहीं की है। अब स्टार्ट करते हैं कि जो आपकी क्वेरीज हैं, कॉमन क्वेरीज आ रही हैं, उनको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहला जो बच्चों को डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये कोर्स ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो मैं आपको बता दूँ ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। ऑनलाइन है आपका क्योंकि यहाँ पर जो टीचिंग होगी वो मैं ही आपको पढ़ाऊँगा, टॉपिक्स मैं ही आपको सिखाऊँगा, तो ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही डलेगा, आपको वहाँ से लेक्चर्स देखने होंगे। ऑफलाइन इन द सेंस कि जो आपका मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, देन उसके बाद आपके जो भी मेंटोर्स हैं उनसे आप मिलके कभी भी अपना जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, मिलके नहीं तो कॉल पे करिए, कैसे भी करिए। क्योंकि आप देखेंगे, अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, अगर यही चीज़ मैं किसी और इंस्टीट्यूट में जाऊँ, तो वहाँ पर 30 बच्चों का वही बैच, अपने कॉलेज का ही एग्जांपल लगा लो कि वहाँ पर टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद उसको मतलब नहीं होता कि आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। यहाँ पर हमें मतलब है कि क्योंकि जो बंदा रजिस्टर कराया है वो सीखना ही चाहता है, तभी उसने कराया, तो उसको हम सिखाएं। जो मेंटर्स हैं वो ये कोशिश करेंगे कि कोई भी डाउट आता है तो वो क्लियर करें, मटीरियल से आप पढ़ेंगे, ऑनलाइन टीचिंग जो मैं कराऊँगा वहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और उसके बाद जैसे डेली का आज ये कॉन्सेप्ट सीखा, इसका कुछ काम मिलेगा आपको। और कॉलेजेस में आप लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट छापा और कर दिया, यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आपको खुद ही करके देना पड़ेगा। तो वो जब एफर्ट आप लगाएंगे तो आप खुद ही बहुत अच्छा सीख जाएंगे, ये मेरी कोशिश है कि आपको ढंग से सिखाना है। सेकेंड चीज़ है रजिस्ट्रेशन डेट आपकी जो मैक्स जाएगी वो है 8 जून तक, जितने रजिस्ट्रेशन आएंगे बस हम उतने ही स्टूडेंट्स रखेंगे, उसके अलावा नहीं रखेंगे। 8 जून तक आपको कराना है तो आप रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद है ग्रुप आपके, क्योंकि जो लोग स्टूडेंट से जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है वो भी पूछ रहे थे कि किस तरह से ग्रुप डिवाइड होंगे, या तो आप ग्रुप खुद बना लें, आप अपना 4-5 लोगों का ग्रुप बना के आ सकते हैं, रजिस्टर करें, फिर आप उसमें मेंशन कर दें कि ठीक है, मेल डाल के कि मेरा ये ग्रुप मेरे को असाइन कर दो, इन लोगों के साथ डाल दो, या हम आपको रैंडमली डाल देंगे, जब आपको बैचेस अलॉट करेंगे तब हम पूछेंगे खुद कि आपके पास क्या क्या है, PC है, लैपटॉप है, तो उस हिसाब से हम फिर ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप्स इसलिए ज़रूरी है, एक स्टूडेंट बोल रहा था कि मैं अकेला कर दूंगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे तो आप नहीं कर पाओगे, और मान लो कभी कर रहे हो कोड रन नहीं हो रहा तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा बहुत ज़्यादा, तो अगर 3-4 लोग होते हैं तो ठीक है, काम बढ़ जाता है, ईजी रहती है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस कराएगी जब आप 4th ईयर में आओगे, आपके मेजर और माइनर प्रोजेक्ट आएंगे, तब तो आपको ग्रुप में ही करना पड़ता है, तो वो प्रैक्टिस यहीं पर हो जाएगी। और ये जो कराऊंगा मैं प्रोजेक्ट्स, ये कुछ उसी लेवल के होंगे जो लोग 4th ईयर में करते हैं, तो वो मैं, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे करा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, मान लीजिए अगर जावा पे ही कर रहे हैं तो
वहां पर आपको इतना सिखा दूंगा मैं कि आप कर सकते हैं चीजों पे अप्लाई। मेरा मोटिव यहाँ पर, जो मेरा मेन मोटिव है ये सब करने का, वो यही है, क्योंकि मेरा जो चैनल स्टार्ट करने का पहले मोटिव था वो ये था कि मैं आपके जो स्टूडेंट्स था जिनको कोई भी आईपी का गाइडेंस नहीं मिलती थी, सबसे पहले वो मैं कराता था। उसके बाद मैंने वीडियोस चालू करे ताकि आपका टाइम बचे, लेस टाइम में आप कॉन्सेप्ट सीख जाएं। यहाँ पर मेरा मोटिव ये है कि आपको सिखाना, ठीक है, टू प्रिपेयर यू, और दूसरी चीज़ आपके पैसे भी बचाना, टू सेव योर मनी। आप जाओ किसी किसी भी टटपुंजिए का इंस्टीट्यूट में भी चले जाओगे तो वो कम से कम 5,000 मांगेगा, बिल्कुल ही घटिया। अगर कोई एक दुकान खोल के भी बैठा है वो भी 5,000 मांगेगा। कोई ढंग का इंस्टीट्यूट जाओगे वो 20,000 रुपये मांगते हैं एक कोर्स के, अगर जावा का भी करना है आपको तो। और वहां पर आप अपने सीनियर से पूछ के देखिए लर्निंग कितनी होती है, वो आपको बता देंगे कितनी लर्निंग होती है और उनको कितना फर्क पड़ता है कि आपको कुछ आया या नहीं आया। यहाँ पर हमारे मेंटोर्स ट्राई करेंगे कि आपको चीज़ें आ जाएं, मैं ट्राई करूँगा आपको, अगर आपको मेंटोर्स नहीं हेल्प कर पा रहे तो मैं अपना समय देके आपकी जो क्वेरीज है उनको सॉल्व करूँ। तो यही हमारी कोशिश है, आपको ज्वाइन करना है करें, नहीं करना है इट्स ओके, बट अगर सीखना चाहते हैं तो ही ज्वाइन करें। एक चीज़ और जो पूछी गई थी मेरे से टाइमिंग्स के बारे में, ठीक है, क्या टाइम आपका रहने वाला है, तो टाइम आपका ऐसा सच कुछ नहीं है, आपकी डेट है। मान लो 13 तारीख को मेरे को एक टॉपिक पढ़ाना था आपको, वो टॉपिक आप कभी भी जाके एक्सेस करें, सीखें। उसके बाद आपको जो मेंटोर्स होगा उन्होंने उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ काम दिया होगा, वो काम आपको करना है, वो काम आपको नेक्स्ट डे चालू होने से पहले सबमिट कर देना है कि भाई ठीक है, या फिर चालू होने के बाद भी नेक्स्ट क्लास आप लेने से पहले आप सबमिट कर दें कि मैंने ये काम कर दिया है। ये बेसिकली ऐसे समझ लीजिए एक होमवर्क की तरह है, जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ा के मैम होमवर्क देती थी, तो वो चीज़ ही यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि ये रहे कि आप रेगुलर टच में रहें चीज़ के। आप पढ़ के अगर उसको होमवर्क एज अ इम्प्लीमेंट कर देंगे, जो काम है थोड़ा सा दिया हुआ है उसको कर लेंगे, तो आपको वो कॉन्सेप्ट और ढंग से याद हो जाएगा, देन आप नेक्स्ट डे नेक्स्ट चीज़ पढ़ें। तो ये हमारा टाइमिंग है, टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आके आप पूरे दिन में सीख सकते हैं।